लॉन्ग टाइम। घर में पेंटर्स आए थे और अपनी कारीगरी करके गए हैं। फटाफट से सेटअप कर लेते हैं और आपको ले चलता हूँ वहाँ पे। हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है, इस वीडियो में ऐसा अलग क्या है? वेल, सबसे पहले तो ये एक महीने बाद आ रही है, और सेकंड, वन लर्न न्यू थिंग्स एवरीडे। तो मैंने अपनी रिसर्च और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के बाद कुछ कॉन्फिडेंट नॉलेज निकाली हैं जो आई थिंक इस वीडियो में शेयर करनी इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो, आप आ जाओ अब मेरे साथ यहाँ पे, यहाँ से देखना, ठीक है? होपफुली इस वीडियो से आप सीख पाओगे कि झगड़ों के वक्त आप अपना स्टैंड कैसे ले सकते हो और अपनी बातें सामने कैसे रख सकते हो बिना कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ाए। ये नॉलेज आपके काम आ सकती है आपके बॉस के साथ, पार्टनर के साथ या दोस्त के साथ, किसी के साथ भी, ठीक है? शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले तो ये समझो कि कॉन्फ्लिक्ट्स आखिर होते क्या हैं। जो वर्बल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें हमारे ओपिनियंस, हमारी वैल्यूज़ और हमारी स्टोरी को झुठलाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में, सामने वाला हमारी बातों से एग्री नहीं करता है। तो इस सिचुएशन पे हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाते हैं? बहुत सारे, बस थोड़ी सी हिम्मत चाहिए ये ऑप्शंस लेने के लिए। बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। देखो, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं विक्टिम पोजीशन पे आने के लिए। इस डेफिनेशन को अपने जहन में उतार लो और नेक्स्ट टाइम जब आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ोगे तो याद रखना कि आप इस कंपटीशन में कहीं पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहे हो, कहीं आप विक्टिम तो नहीं बन रहे हो। हिंदी में शिकार और इंग्लिश में विक्टिम उसे कहते हैं जिसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। आई एम श्योर कि आप विक्टिम तो नहीं बनना चाहोगे, इसीलिए इस पहले ऑप्शन को हमेशा याद रखना, जो है इग्नोर करो और कॉन्वर्सेशन छोड़ दो। बट सिंस एक्शंस हैव कंसिक्वेंसेस, इस ऑप्शन के डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को बार बार यूज़ करते हो तो आप एक पैसिव एग्रेसिव इंसान बन सकते हो। अब पैसिव एग्रेसिव इंसान कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर क्या हैं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। मूविंग ऑन टू सेकेंड डिसएडवांटेज, कॉन्फ्लिक्ट में अगले को इग्नोर करना और कॉन्वर्सेशन छोड़ देना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है अगर सामने वाला एक अथॉरिटी वाला इंसान है, जैसे कि आपका बॉस, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो। ऐसे लोगों को कॉन्फ्लिक्ट में इग्नोर करना या फिर कॉन्वर्सेशन छोड़ के चले जाना बैकफायर कर सकता है। आपका बॉस आपकी करियर पे रुकावट बन सकता है और जिसकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते हो उसे आप खो सकते हो। तो ऐसे लोगों के लिए आता है ऑप्शन नंबर टू। दूसरे ऑप्शन में आप कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट तो करते हो बट पूरी तरह नहीं। इस ऑप्शन से आप बिना बोले अपनी बातें सामने रख सकते हो। कौन सा ऑप्शन है ये? नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस। टू बी रियली ऑनेस्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको कवर करने के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी जो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। इसीलिए इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ कीवर्ड्स दे सकता हूँ और कुछ वीडियो रिकमेंडेशंस दे सकता हूँ जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आगे बढ़ने से पहले मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज़ होते हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, पॉस्चर, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट एंड टच समटाइम्स। कॉन्फ्लिक्ट्स के समय आप जितना नॉन वर्बली कम्युनिकेट कर सकते हो उतना शायद आप शब्दों से नहीं कर पाओगे, इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। एग्जाम्पल बॉडी लैंग्वेज से उठाते हैं। आर्ग्यूमेंट के समय अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज वीक है तो सामने वाले को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है आपको दबाने के लिए। बट जब आप अपना बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखते हो, जैसे सीधा खड़ा होना, छाती ऊपर, आई कॉन्टैक्ट, तो सामने वाला दो बार सोचता है कुछ बोलने से पहले। अब देखो, बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है, ना कोई ये लक फैक्टर पे बेस्ड है, ये सिर्फ एक स्किल है। जैसे चलना एक बेसिक ह्यूमन स्किल है जो हमने बचपन में सीखी थी प्रैक्टिस करते करते, वैसे ही बॉडी लैंग्वेज या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आप प्रैक्टिस करते करते, एक्सपेरिमेंट्स करते करते सीख सकते हो। तीसरा और लास्ट ऑप्शन, बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। काम की इन्फॉर्मेशन लगती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन पे अपने विचार छोड़ सकते हो। एंड विद दैट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।